हाय, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में। अब ये जो कॉन्सेप्ट है लोकेशन ऑफ रूट्स का, ये बेसिकली अपना जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें आप लोग पिछले 19 एंड 20 के जितने भी जेई मेंस के क्वेश्चन हैं वो सारे उठा उठा के देखोगे तो 50-60% आपको जो क्वेश्चन है वो इस कॉन्सेप्ट से, जो लोकेशन ऑफ रूट्स का कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से जो है वो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब ये जो लोकेशन ऑफ रूट्स का कॉन्सेप्ट है, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहली रिक्वायरमेंट होगी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के जो ग्राफ है उसकी, मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के ग्राफ का आपको तगड़ा नॉलेज होना चाहिए। उसके अलावा इनइक्वलिटीज़ वगैरह कैसे सोल्व करते हैं और इंटरवल्स वगैरह कैसे निकालते हैं, ये सारा आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, तब जाके आप लोग ये कॉन्सेप्ट अपना मजबूत कर सकते हो और इस कॉन्सेप्ट में आप लोग जो है वो प्रो बन सकते हो। तो यहाँ पे देखो ज़रा, ये आपको कैसे दिया जाएगा। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाएगी, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और फिर बोलेगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, एंड देन ये आपको बोलेगा कि वो दोनों रूट्स या तो किसी नंबर से बड़े हो सकते हैं या फिर किसी नंबर से छोटे हो सकते हैं, या फिर वो जो नंबर है वो आपका दोनों रूट्स के बीच में लाई कर सकता है ना। ऐसे आपको कॉन्सेप्ट बना के ये क्वेश्चंस पूछेगा, और फिर इसमें क्या होगा कि कोई ना कोई एक वेरिएबल दे दिया जाएगा कि उसकी किस रेंज के लिए ये चीज़ ऐसी पॉसिबल होगी, है ना। तो इस टाइप से आपको ये थोड़ा मिक्सअप बना क्वेश्चंस वगैरह पूछेगा। तो देखते हैं इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती है, किस किस टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और अगर इसकी रूट्स लाई कर रहे हैं, है ना, तो वो रूट्स सपोज हमारे पास में एक नंबर है, है ना, तो सबसे पहला हम लोग टाइप लेते हैं बोथ रूट्स, मतलब दोनों जो रूट्स हैं बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन अ फिक्स्ड नंबर, दोनों जो रूट्स है वो किसी एक नंबर से ग्रेटर हो, उस नंबर को हमने बोल दिया डी। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि अगर ये आपका अल्फा है एक रूट और दूसरा रूट है बीटा, ठीक है, और कोई नंबर एक डी दे दिया जाएगा और ये बोलेगा कि ये दोनों रूट्स जो है वो इस नंबर से, ये जो डी है डी से बड़े है ना, ऐसा आपको कॉन्सेप्ट बना के पूछ लिया जाएगा, ये जो डी है इससे बड़े है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ग्राफिकल नॉलेज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का है वो कैसे यूज करते हैं उसको भी समझते हैं। तो इस टाइप्स की कंडीशंस को या फिर कॉन्सेप्ट को सोल्व करने के लिए आप लोग यहाँ पे सोच सकते हो, अगर हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं अगर एक्सप्रेशन बना दूँ तो ये बन जाएगा ए एक्स स्क्योर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, ये बन गया अपना एफ एक्स। अब जो इसका ग्राफ है, जब ए पॉजिटिव होगा तो उसके लिए तो ये ऊपर की ओर इसका मुंह खुलेगा, है ना, ऐसे ये पैराबोला टाइप का बनेगा, यहाँ पे ये कट कर रहा है, ये बीटा है, और जैसे ए नेगेटिव होगा ये ए पॉजिटिव के लिए, ठीक है, और जैसे ही ए नेगेटिव होगा उसके लिए ये ग्राफ अपना जो है वो ऐसे खुल जाएगा नीचे की ओर, और जहाँ पे कट करेंगे वहाँ दो रूट्स मिल जाएंगे, ये अल्फा और ये दूसरा बीटा। अब ये दोनों रूट्स किसी एक नंबर से बड़े होने चाहिए, तो आप लोग ऐसे ऐसे दो कंडीशंस बना के फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये वर्टाइसेस है माइनस बी अपॉन टू ए कॉमा माइनस डी अपॉन फोर ए, और इसका एक वर्टाइसेस आ जाएगा माइनस बी अपॉन टू ए कॉमा माइनस डी अपॉन फोर ए। अब यहाँ पे समझने वाली पहली चीज़ तो ये है कि इसके लिए हमने बोला है कि a जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, और दूसरी बात
डी जो है वो छोटा है दोनों रूट से, इसका मतलब ये भी होगा ना कि डी जो है वो बेसिकली वर्टेक्सेस के एक्स कोऑर्डिनेट से भी छोटा होगा। अब ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो माइनस बी अपॉन टू ए है, सो माइनस बी अपॉन टू ए जो है ये क्वांटिटी बड़ी होगी किससे, पर्टिकुलर नंबर से, डी से, ठीक है। अब ये दोनों हमने कंडीशंस अप्लाई की तो इससे देखो जरा क्या आउटपुट मिला। इसने बोला कि ए जो है वो ग्रेटर देन ऐसा होना चाहिए, और इसने बोल दिया कि यहाँ पे वर्टेक्स आएगा, डी यहाँ पे कहीं पे आ जाना चाहिए। अब ये ग्राफ तो ऐसा भी बन सकता है ना, मतलब ये टच नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये टच नहीं कर रहा है, इसको एक बार मैं मिटा लेता हूँ, ये चीज़ टच नहीं कर रही है ना, ये और ये ग्राफ आपस में टच नहीं कर रही, इसको थोड़ा सा ऊपर एज्यूम कर लो। ये कंडीशन ऐसी भी हो सकती है। अब इसकी रूट्स भी होने चाहिए ना, तो उसके लिए आप लोग डी जो है वो ग्रेटर देन जीरो करोगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो करोगे, तो ये कंडीशन ऐसी भी बन जाएगी ना, यहाँ पे डी आ जाएगा और यहाँ पे दोनों रूट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये दूसरी कंडीशन, सॉरी तीसरी कंडीशन। और अगर आप लोग इस ग्राफ को गौर से देखोगे फिर इसको आगे ऐसे बढ़ाओगे तो ये डी पे जो है अपना ग्राफ है वो वैल्यू दे रहा है पॉजिटिव, मतलब डी पे वाई जो है वो ऊपर की ओर कट हो रहा है ना, डी पे वाई की वैल्यू ऊपर की ओर मिल रही है, सो ऊपर की ओर वाई कैसा होता है, पॉजिटिव। तो इसने बोल दिया कि एफ डी जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए, ये फोर्थ थिंग, ठीक है। इसकी दो कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझा दूंगा, आप लोगों को जो अच्छा लगे आप उससे जाना। और यहाँ पे फर्स्ट थिंग, ए तो नेगेटिव होना चाहिए, सो ए को हमने कर लिया नेगेटिव। दूसरी बात, जब ए नेगेटिव हुआ उस समय डी जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। और तीसरी बात, सेम ही चीज़ वापस रिपीट हो रही है, बस यहाँ पे ये जो एफ डी है इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, यहाँ पे इस केस में ये नीचे की ओर कट करेगा ना, मतलब ये दोनों नीचे की ओर मिल रहे हैं, तो ग्राफ पे जो एफ डी की वैल्यू है वो नेगेटिव मिल जाएगी। और दूसरी बात, डी जो है वो लेस देन होना चाहिए किससे, माइनस बी अपॉन टू ए से। और जो एफ डी है वो बेसिकली इस केस के लिए नेगेटिव हो जाना चाहिए, है ना, नेगेटिव हो जाना चाहिए। अब ये दो कंडीशंस बन सकती है, अगर इन दोनों कंडीशंस को क्लब करके मैं सिर्फ एक ही कंडीशन बना दूं तो कैसा रहेगा, मतलब एक ही कंडीशन अगर मेरे को मिल जाए तो मैं क्वेश्चंस बहुत इजी तरीके से सोल्व कर लूँगा। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देखें ना, कि ये वाला जो फर्स्ट है, ये जितना भी फर्स्ट वाला है इसमें ए इंटू एफ डी करवाएं, ए इंटू एफ डी, ए इंटू एफ डी ऑलवेज कैसा मिलेगा, यहाँ पे साइन सेम है, दोनों पॉजिटिव है, तो ए इंटू एफ डी पॉजिटिव हो जाएगा, सो ए इंटू एफ डी फर्स्ट वाले से पॉजिटिव मिल गया। सेकंड वाले से देखो जरा, सेकंड वाले से ए इंटू एफ डी कैसा मिलेगा, सो ए इंटू एफ डी पॉजिटिव मिल जाएगा, और बाकी की दोनों कंडीशन सेम है। इन दोनों की कॉमन कंडीशंस तो ये आ गई ना, कि पहला तो ए इंटू एफ डी पॉजिटिव होना चाहिए, ये कॉमन कंडीशन इन दोनों से है ना, ये जो है इससे एंड इससे, इन दोनों से पहली कॉमन कंडीशन जो है वो ये आ गई, ए इंटू एफ डी जो है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। और दूसरी देखो जरा, दूसरी कॉमन कंडीशन आ जाएगी कि डी जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन आ जाएगी, जो स्मॉल डी है जो हमने नंबर एज्यूम किया है वो बेसिकली लेस देन होना चाहिए माइनस बी अपॉन टू ए से। अब ये तीनों कंडीशंस है वो इस कॉन्सेप्ट के लिए बहुत पर्याप्त है ना? अगर आप लोग ये जो तीनों इनइक्वालिटीज है इनको सोल्व कर लोगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे सोल्व कर सकते हैं, तो मतलब बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन अ फिक्स नंबर। तो उस समय हमारे पास में क्या कंडीशंस निकल के आई, क्या इनइक्वालिटीज जो है वो निकल के आई वो देख लेते हैं। फर्स्ट जो रहती है वो रहती है कि a इंटू एफ डी जो है वो हमारे पास में पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरी निकल के आई थी
कि इसका जो डी है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तीसरी इसकी निकल के आई थी कि जो पर्टिकुलर नंबर है वो बेसिकली स्मॉल होना चाहिए माइनस बी अपॉन टू ए से। अब ये तो हमने कैसे क्वेश्चन को सोल्व किया, हमने ए को अज्यूम करके सोल्व किया, या तो ए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। इसी क्वेश्चन को अगर मैं, मतलब ये जैसे मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्योर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, अब इसमें मैं एक्स स्क्योर के कोफिशियंट को अगर पॉजिटिव ही बना दूं तो दूसरे वाला जो नीचे की ओर खुल रहा था वो केस तो बिल्कुल यहीं से रफा दफा हो जाएगा। मतलब ये कैसी बन जाएगी, एक्स स्क्योर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू जीरो। अब ये इसके रूट्स और इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दोनों सेम होंगे क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं है, हमने सिर्फ ए जो था उसको कॉमन लिया है, मतलब एक्स स्क्योर का कोफिशियंट जो है वो आपने पॉजिटिव बनाया। तो जैसे ही एक बार अगर आपने एक्स स्क्योर का कोफिशियंट पॉजिटिव बनाया तो ये केस सिर्फ ऐसा रह जाएगा, है ना, ऐसा वाला केस तो गायब ही हो जाएगा, मतलब इसको आप लोग लेके भी नहीं चल सकते। तो ये केस अगर ऐसा रह गया तो इस समय हम लोग क्या कर सकते हैं, इस समय अल्फा और बीटा और यहाँ पे जो है पर्टिकुलर नंबर है वो स्मॉल डी, इसके लिए आपका फर्स्ट थिंग कि एफ डी जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आप लोग जैसे ही देखोगे एफ डी पे ये वैल्यू मिल रही है ऊपर की ओर, है ना, वाई एक्सिस पे ऊपर की ओर मिल रही है ना, तो उसके लिए एफ डी तो पॉजिटिव होगा। अब सेकेंड थिंग इसके रूट्स होने चाहिए, तो रूट्स होने के लिए इसका जो डिटर्मिनेंट है सॉरी डिस्क्रिमिनेंट है इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। थर्ड कंडीशन, ये जो नंबर है डी स्मॉल वाला ये अपना छोटा होना चाहिए दोनों रूट से, तो उसके लिए डी लेस देन होना चाहिए माइनस बी अपॉन टू ए से। अब ये जो है दो मेथड मैंने आपको बता दिए, आप किसी से भी जा सकते हो। फर्स्ट मेथड ये रहा जिसमें हम लोगों ने दोनों कंडीशंस को एक साथ लेके सॉल्व किया है, और सेकंड मेथड में हमने दूसरी कंडीशन ही ख़त्म कर दी, मतलब इसकी जड़ें ही हमने उखाड़ डाली, उसके बाद में हमने इस क्वेश्चन को सॉरी इस कॉन्सेप्ट को सॉल्व किया है। तो आप लोग इससे भी जा सकते हो, बस इस कॉन्सेप्ट में रहता ये है सेकेंड वाले में कि आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट जो है वो हमेशा आपको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो मैं फर्स्ट वाला प्रिफेयर करता हूँ, ये जो फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट है इसको मैं ज़्यादा प्रिफेयर करता हूँ, मतलब इस पर ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करता हूँ मैं इसको यूज़ करके। आपकी जो इच्छा हो उससे आप लोग कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्योर सॉरी एक्स स्क्योर प्लस ए एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो हैव एग्जैक्ट वन रूट पॉजिटिव, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है, तब फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब ये क्वेश्चन है, इसके लिए ये बोल रहा है कि जो एक रूट है वो बेसिकली इसका ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, मीन्स पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। इसको आप लोग ड्रॉ करो, सो जीरो यहाँ पे आ गया और एक रूट यहाँ पे आ गया और दूसरा रूट यहाँ पे आ जाएगा, तो ये वही कंडीशन बन गई कि अ नंबर लाइज बिटवीन टू रूट्स ना। तो इसके लिए जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है वो प्लस वन है, तो ये बन जाएगा ऐसा, ग्राफ ऊपर की ओर खुल जाएगा। अब जब ग्राफ ऊपर की ओर खुलेगा तब ए इंटू एफ डी जो रहता है वो नेगेटिव रहता है, ये वाली कंडीशन में ए जो है वो पॉजिटिव है, तो सिर्फ एफ डी जो है वो नेगेटिव रहेगा। आप लोग ये भी लिख सकते हो, है ना, तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे ही आप लोग एफ डी जो है वो लेस देन सॉरी एफ डी जो है वो लेस देन जीरो करोगे, अब डी की वैल्यू जो है वो जीरो है, स्मॉल डी की वैल्यू, है ना, जो फिक्स नंबर है वो अपना जीरो है। अगर आप लोग ये चीज़ करोगे कि एफ जीरो लेस देन जीरो है, तब आप लोग जीरो को एक बार इस इक्वेशन में रख के देखो,
जैसे ही आप लोग एक बार इस इक्वेशन में रख के देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा वन ना, एफ जीरो जो है वो बेसिकली आ जाएगा वन, ये चीज आ जाएगी ना, तो ये तो कभी भी लेस देन जीरो नहीं है। तो ए की आप लोगों को ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी जिसके लिए ये कंडीशन ट्रू हो जाए ना, ये कंडीशन ट्रू होगी तभी तो एक रूट पॉजिटिव मिलेगा ना। तो ए की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए इसका रूट जो है वो पॉजिटिव मिल जाए। सो सेट ए इज इक्वल टू फाइव, ए में जो है कुछ भी नहीं आएगा। सो ए बिलोंग्स टू फाइव या फिर ए इज इक्वल टू फाइव, ए इज अ नल सेट है ना, मतलब ए में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, ये बात हो गई। ए की कोई भी वैल्यू रख लो उसके लिए आपको रूट जो है इसका पॉजिटिव कभी नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इस पर थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। सो ये आप लोग खुद से ट्राई करना एक बार ना, मैं इसका आंसर बता दूंगा, डोंट वरी, आप लोग खुद से एक बार ट्राई करना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस लैम्ब्डा माइनस वन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो हैव एग्जैक्ट वन रूट नेगेटिव। ठीक है, अब ये मैंने बोल दिया तो एक रूट नेगेटिव होना चाहिए। मतलब नेगेटिव कब होगी कोई भी क्वांटिटी, जब आपकी जीरो से छोटी हो। तो एक रूट जो है जीरो यहां पे लाई करेगा, तो एक रूट जो है वो जीरो के लेफ्ट साइड में लाई करना चाहिए और दूसरा रूट जो है वो जीरो के राइट साइड में लाई करना चाहिए। अब इसका जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है वो बेसिकली पॉजिटिव है, तो ये ग्राफ ऊपर की ओर मूव करके खुल जाएगा ऐसा। ठीक है, अब ये जब ये ग्राफ ऐसा खुल जाएगा तो उसके लिए जो एफ डी है वो हमारा नेगेटिव आ जाना चाहिए। अब ये जो स्मॉल डी है वो फिक्स नंबर रहता है ना, आप डिस्क्रिमिनेंट मत समझ लेना, ये जो है फिक्स नंबर रहता है। अब ये फिक्स नंबर क्या है, जीरो है ना, यहाँ पे देखो भाई जीरो ही तो है। सो एफ जीरो लेस देन जीरो आना चाहिए। तो जीरो को आप लोग जैसे ही इस इक्वेशन में पुट करोगे, ये वाली इक्वेशन है, तो ये दे देगी माइनस वन। सो माइनस वन जीरो से छोटा है, तो लैम्ब्डा की आप लोग कोई भी वैल्यू रख लो उसके लिए ये जो इक्वेशन है ये आपको ऑलवेज वन रूट नेगेटिव देगी। जैसे लैम्ब्डा इज इक्वल टू वन रख लो, तो वन रखोगे तो एक्स की वैल्यू आएगी प्लस माइनस वन, तो एक रूट आ गया नेगेटिव। लैम्ब्डा इज इक्वल टू टू रख लो, तो जैसे ही आप लोग टू रखोगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्योर प्लस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब इसको भी सोल्व करोगे तो आपको एक रूट पक्के से पॉजिटिव मिलेगा और एक रूट जो है वो नेगेटिव मिलेगा। जीरो जो है इन दोनों रूट्स के बीच में लाई करेगा, है ना, तो आप लोग करके भी देख सकते हो। तो इसके लिए जो लैम्ब्डा है वो बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो कंडीशन रहती है वो ऐसी रहती है, अभी हमने क्या किया कि अपना जो डी है, डी बेसिकली यहाँ पे लाई कर रहा था पहले, दोनों रूट से छोटा था, फिर हमने क्या किया डी को जो है वो दोनों रूट्स के बीच में लेके आए। अब हम लोग क्या करेंगे, डी को जो है दोनों रूट से बड़ा करवा देंगे, है ना, ये थर्ड कंडीशन आ जाएगी। सो थर्ड कंडीशन हम लोग लिख सकते हैं कि बोथ रूट्स आर लेस देन अ फिक्स्ड नंबर। सॉरी गाइस, कुत्ते वगैरह भौंक रहे, गांव से हूँ तो यही सब देखने को मिलेगा इधर, तो डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी। तो दोनों रूट्स जो है वो बेसिकली एक फिक्स नंबर से छोटे होने चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास में क्या हो जाएगा, जो डी जो है फिक्स नंबर वो बेसिकली यहां पे लाई करेगा राइट साइड में, और दोनों रूट्स जो है वो बेसिकली डी से लेफ्ट साइड में लाई करेंगे। अब इसके लिए हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल वाली ले ली, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और इसका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या फिर क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है वो ऐसा बन जाएगा, ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू एफ एक्स, ऐसा बन गया। अब इसमें अगर ए पॉजिटिव हुआ तो इस समय जो ग्राफ है वो ऊपर की ओर खुलेगा, तो ग्राफ बेसिकली ऐसा आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई क्या? इतनी बात समझ में आई तो मैं नेक्स्ट बात कर लेता हूँ। सो ये जो है ए पॉजिटिव होगा इसके लिए, और अगर ए नेगेटिव हुआ तो ग्राफ ऐसा खुलेगा, ये आएगा अल्फा और ये आएगा बीटा और डी कहीं पे यहाँ पे आएगा। सो इस ग्राफ के लिए, फर्स्ट वाला जो ग्राफ है इसके लिए फर्स्ट थिंग ए जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। सेकंड थिंग एफ डी, एफ डी आप लोग चेक करोगे जब एक्स की वैल्यू डी होगी तब वाई की वैल्यू देखो जरा यहाँ पे कैसी मिल रही है, पॉजिटिव ऊपर की ओर मिलेगा ना भाई, तो बेसिकली पॉजिटिव होगा। सो एफ डी जो है वो पॉजिटिव मिलना चाहिए, ठीक है। अच्छा ए जो है वो अपना पॉजिटिव होना चाहिए, एफ डी जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर इन दोनों कंडीशंस को ले ले तो क्या ये इसके लिए सफिशियंट है, इस वाले ग्राफ के लिए ये दोनों कंडीशन जो है वो सफिशियंट है क्या? चलो देखते हैं। ए पॉजिटिव, एफ डी जो है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो डी पॉजिटिव वो कर लिया। बट ये ग्राफ ऐसे भी बन सकता है एक्स स्क्वायर के जस्ट ऊपर, तभी भी कंडीशन ये सेटिस्फाई है ना, तो ये सफिशियंट कंडीशन नहीं है इस ग्राफ के लिए। तो हम लोग तीसरी कंडीशन ये ऐड कर सकते हैं कि ये जो d है वो बेसिकली इस नंबर से जस्ट इस साइड लाई करना चाहिए, है ना, सॉरी इसके वर्टाइसेस से जो है d जो है वो इस साइड लाई करना चाहिए। वर्टाइसेस क्या रहता है? माइनस बी अपॉन टू ए, है ना, तो माइनस बी अपॉन टू ए जो है वो बेसिकली छोटा होना चाहिए स्मॉल वाले d से, फिक्स नंबर से, ठीक है। क्या अब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है इस वाले ग्राफ को? देखते हैं। इसमें ये ऐसा बन सकता है ए जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, मीन्स ऊपर की ओर खुलेगा, डी जो है वो इस वाले से बड़ा होना चाहिए, मतलब कि डी जो है वो यहाँ पे आना चाहिए और यहाँ पे बीच में वर्टाइसेस आना चाहिए। अब ये नीचे की ओर ऐसे भी खुल सकता है। तो इस ग्राफ को इस एक्स एक्सिस के साथ में कट करवाने के लिए हम लोग एक कंडीशन और ऐड कर देते हैं, बोलते हैं कि कैपिटल डी जो है डिस्क्रिमिनेंट वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है भाई। ये बात इतनी बात समझ में आई क्या? फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले, मतलब सेकंड वाले ग्राफ पे। इसके लिए फर्स्ट थिंग ए जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, सेकंड थिंग एफ डी कैसा होना चाहिए, सोचो जरा एफ डी। अब एक्स की वैल्यू जब डी होगी तब वाई कैसा मिल रहा है? नीचे की ओर, तो वाई कैसा होगा? नेगेटिव। सो एफ डी जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। थर्ड थिंग, अब यहाँ पे माइनस बी अपॉन टू ए जो है वो लेस देन होना चाहिए डी से। एंड फोर्थ थिंग, डिस्क्रिमिनेंट जो डी है वो बेसिकली ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब इन दोनों कंडीशंस को आपस में क्लब कर लिया जाए, मिला लिया जाए, तो हमारे पास में फाइनल कंडीशन देखो जरा क्या निकल के आती है। सो यहाँ पे ए और एफ डी दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे, सो दोनों पॉजिटिव है तो ये देगा पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, और यहाँ पे दोनों नेगेटिव है दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये भी ग्रेटर देन जीरो देगा। सो पहली चीज़ तो ए इंटू एफ डी जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ माइनस बी अपॉन टू ए, मतलब दोनों में से ये वाली कंडीशन सेकेंड कॉमन आ जाएगी, ठीक है। तो ये आ गए माइनस बी अपॉन टू ए जो है वो बेसिकली लेस देन होना चाहिए डी से। एंड थर्ड थिंग, डी जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब ये तीनों कंडीशन जो है वो सफिशियंट है किसके लिए? जब आपका दोनों रूट्स एक नंबर से बड़े हो जाए, ठीक है। अब इस पर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि पहले तो हम लोग इनको सीखते हैं समझते हैं, उसके बाद में हम लोग पी वाई क्यूज वगैरह करेंगे, उसके बाद बारे में आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लो, मैं पी वाई क्यूज वगैरह करवा दूंगा। सो सेम इक्वेशन लेके चलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस लैम्बडा माइनस वन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो हैव बोथ रूट्स
both roots less than 2, then value of लैम्डा की वैल्यू जो है वो क्या होगी जब दोनों रूट्स 2 से छोटे हो जाए। तो पहली बात तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट जो है वो चमक गया, 1 है, मींस पॉजिटिव, ग्राफ तो पक्के से ऐसा बनेगा, ऊपर की ओर खुलेगा, और इसके दो रूट्स भी आने चाहिए, तो मैंने ला दिए दो रूट्स, अल्फा एंड बीटा। अब ये दोनों रूट्स जो है वो 2 से छोटे होने चाहिए, सो 2 को यहाँ पे राइट में आप लोग शिफ्ट करवा दो, ये 2 आ गया। सो इसके लिए पहली चीज a इंटू एफ डी करोगे वो बेसिकली कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। सो a तो पॉजिटिव है तो उसके लिए एफ डी कैसा आना चाहिए, एफ डी भी पॉजिटिव आना चाहिए ना। सो एफ टू जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए, फर्स्ट थिंग, इसको लेके सोल्व करते। सो x की जगह हमने 2 पुट किया तो ये बन गया 4 माइनस 2 इंटू लैम्बडा माइनस 1, माइनस 2 नहीं है, ये 2 है। सो x की जगह जैसे ही हमने 2 पुट किया तो ये बन जाएगा 4 प्लस 2 इंटू लैम्बडा माइनस 1 प्लस 1, ये जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। सो 2 लैम्बडा, ये 4 माइनस 2 2, और 2 प्लस 1 3, प्लस 3 ग्रेटर देन 0, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, बी स्क्योर माइनस 4 ए सी मीन्स लैम्बडा माइनस 1 का होल स्क्योर माइनस 4, ये जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। डी जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए ना, डिस्क्रिमिनेंट, तो वही मैंने कंडीशन लगा दी। इसके फैक्टर बनाओ, सो लैम्बडा माइनस 3 एंड लैम्बडा माइनस प्लस 1, ये जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए ना। सो अब इसको लेके हम लोग आगे सॉल्व कर लेंगे, डोंट वरी। और जो थर्ड चीज थी वो ये थी कि इसका जो वर्टाइसिस का एक्स कोऑर्डिनेट है मींस माइनस बी अपॉन 2 ए जो है वो बेसिकली लेस देन होना चाहिए फिक्स नंबर से, डी से। सो फिक्स नंबर इज 2, 2 इज ग्रेटर देन माइनस बी अपॉन 2 ए करोगे, सो ये बन जाएगा 1 माइनस लैम्बडा अपॉन 2, है ना। अब इसको जरा फर्दर सोल्व करते हैं, तो 4 इधर 3, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 1 माइनस लैम्बडा इज लैम्बडा लेस देन 4, एंड लैम्बडा इज ग्रेटर देन माइनस 3, इस कंडीशन से ये आ गया। अब तीनों कंडीशंस को एक साथ ले लो, क्लब कर लो, है ना, तीनों कंडीशंस को। तो इन तीनों कंडीशंस के पहले तो रूट्स निकाल लो, क्या क्या आएंगे। सो यहाँ से आएगा माइनस 3 और यहाँ से आएगा माइनस 3 बाई 2, सो लैम्बडा इज ग्रेटर देन माइनस 3 बाई 2, यहाँ से आएगा 3 एंड माइनस 1, और ये माइनस 3 बाई 2, और ये आएगा माइनस 3। सो यहाँ पे आएगा माइनस 3 और यहाँ पे आएगा माइनस 3 बाई 2, यहाँ पे आएगा माइनस 1 और यहाँ पे आएगा 3, ठीक है। अब ये बोलता है जो सेकंड वाली कंडीशन है उसको पहले ले लेते हैं। ये बोलता है कि लैम्बडा जो है वो बेसिकली 3 से बड़ा होना चाहिए, ये 3 से बड़ा होना चाहिए और माइनस 1 से छोटा होना चाहिए, ऐसे चल गया, ठीक है। फिर फर्स्ट वाली कंडीशन बोलती है कि लैम्बडा जो है वो माइनस 3 बाई 2 से बड़ा होना चाहिए, तो ये ऐसे चला जाएगा इस टाइप से। और जो फर्स्ट वाली जो कंडीशन है, थर्ड वाली जो कंडीशन है उसको ले लो, सो लैम्बडा माइनस 3 से छोटा होना चाहिए, सो लैम्बडा जो है वो माइनस 3 से छोटा होना चाहिए, ऐसे। अब इन तीनों का जो है क्लब या फिर बोले तो इंटरसेक्शन, कुछ भी नहीं आ रहा ना, ये भी नहीं आ रहा, ना ये आ रहा है और ना ये आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, तो बेसिकली हम लोग बोल देंगे कि लैम्बडा बिलोंग्स टू फाई, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं
अभी तो एक नंबर को लेके हमने उसको आगे पीछे खिसकाया, अब दो नंबर को लेते हैं, मतलब कि एक जो रूट है वो दोनों नंबर्स, दो नंबर्स के बीच में लाई करना चाहिए। अ रूट लाइज बिटवीन बिटवीन टू फिक्स्ड नंबर। अब जो दो फिक्स नंबर है उसको मैं डी और ई मान लेता हूँ, या फिर बोले तो एल और के मान लेता हूँ, क्योंकि डी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा डिस्क्रिमिनेंट वगैरह। सो एक नंबर मैंने मान लिया एल और दूसरा मैंने मान लिया के। अब एक रूट जो है इन दोनों के बीच में लाई करना चाहिए, मीन्स अल्फा जो है इन दोनों के बीच में लाई करवा दिया, और बीटा कुछ कहीं पे भी हो सकता है, इन दोनों से छोटा भी हो सकता है और इन दोनों से बड़ा भी हो सकता है, मीन्स बीटा यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है, मैंने इन दोनों से बड़ा ले लिया, उसकी आप लोग टेंशन मतलब। तो ये ग्राफ, अब ये कंडीशन हो सकती है, मतलब कि ऐसी होएगी, हो क्या सकती है, होएगी, या तो यहाँ पे आएगा बीटा या फिर यहाँ पे आएगा। अब ये रूट जो है वो किस इक्वेशन के, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसके दोनों रूट्स हैं। अब इसका जो एफ एक्स क्या बनेगा, एफ एक्स बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ए पॉजिटिव हुआ तो मुंह ऊपर की ओर खुलेगा, मीन्स ऐसा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है, और जैसे ही ए नेगेटिव हुआ तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, नीचे की ओर खुलेगा। अब ये आ जाएगा अल्फा और यहाँ पे आ जाएगा एल एंड के, ठीक है, एल एंड के आ जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट थिंग यहाँ पे हम लोग निकाल के देखें, इसके लिए ए जो है वो बेसिकली पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, और ए जब पॉजिटिव होगा तब क्या होगा, ये बोल रहा है कि f इंटू एल जो है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और f इंटू के जो है वो बेसिकली लेस देन जीरो होना चाहिए। अगर मैं इन दोनों कंडीशंस को एक साथ क्लब कर लूँ, इन दोनों कंडीशंस को एक साथ क्लब कर लूँ तो देखो मुझे क्या देखने को मिलेगा। सो f l इंटू f k ये बेसिकली लेस देन जीरो होना चाहिए। क्या ये कंडीशन इस ग्राफ के लिए सेटिस्फाई है क्या, मतलब सफिशियंट है क्या, देखते हैं। सो ये बोलता है कि ग्राफ कुछ ऐसा है, अभी मैंने एक्स कोऑर्डिनेट नहीं लिया, एल यहाँ पे आना चाहिए, एल के लिए जो वाई है वो बेसिकली ऊपर की ओर आना चाहिए, मतलब ऐसा, और जो के जो है वो बेसिकली यहाँ पे एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरे को नेगेटिव होना पड़ेगा, होना ही पड़ेगा, तभी जाके एफ इन एफ एल इंटू एफ के जो है वो बेसिकली लेस देन जीरो होएगा। सो दूसरे के लिए के तो बिल्कुल बीच में लाई करना ही चाहिए। अब यहाँ पे आप लोग नीचे लाई करवा दोगे के को, यहाँ पे लाई करवा दोगे तो ये पॉजिटिव मिल जाएगा, एफ के जो है वो बेसिकली पॉजिटिव मिल जाएगा, एफ एल जो है वो भी पॉजिटिव मिल जाएगा, तो ये कंडीशन सफिशियंट, सॉरी ये कंडीशन जो है ये नहीं बोल रही ना, तो हम लोग यहाँ पे के को नहीं ले सकते, के को बीच में ही लेना पड़ेगा। तो ये एक कंडीशन इसके लिए सफिशियंट है, इस वाले ग्राफ के लिए, ये वाला जो ग्राफ है इसके लिए ये कंडीशन सफिशियंट है। क्या ये कंडीशन इसके लिए सफिशियंट है क्या, इस वाले ग्राफ के लिए जो हमारे पास में राइट में है, इसके लिए देखते हैं। एफ एल इंटू एफ के मीन्स ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, दोनों का प्रोडक्ट कैसा, नेगेटिव, तो ये भी इसके लिए सफिशियंट है। तो इस कंडीशन के लिए जब आपका एक रूट जो है वो दो नंबर के बीच में लाई करे, उसके लिए एक ही आपकी कंडीशन सफिशियंट है ना, तो उसके लिए एफ एल एल इंटू एफ के जो है वो बेसिकली लेस देन जीरो होना चाहिए। अब ये एक कंडीशन पूरा का पूरा काम कर देगी इसके लिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इस पर, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सो सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, हैविंग वन रूट
इज बिटवीन वन एंड टू, देन वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक जो रूट है वो वन और टू के बीच में लाई करना चाहिए, मतलब ये ऐसा बनना चाहिए कि वन यहाँ पे आ जाए, टू यहाँ पे आ जाए, और अल्फा जो है वो यहाँ पे आ जाए, बीटा जो है वो कहीं पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। उसके बारे में इसने हमसे कमेंट नहीं करवाया है, ना ही इस क्वेश्चन ने कमेंट किया उसके बारे में, बीटा के बारे में, बस एक रूट के बारे में बोल दिया। तो ये तो वही कंडीशन बन गई कि अ रूट लाइज बिटवीन टू फिक्स नंबर वाली, तो उसके लिए एफ एल इंटू एफ के जो है वो बेसिकली नेगेटिव होना चाहिए। बस ये आपको कंडीशन पहचाननी है कि कौन सी कंडीशन बन रही है ना, और थोड़ा सा सोच समझ के आगे आप लोग प्रोसीड कर सकते हो। तो यहाँ पे L की वैल्यू जो है वो 1 है और K की वैल्यू जो है वो 2 है, सो इसका मतलब ये हुआ कि F1 into F2 जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए। सो X की जगह 1 यहाँ पे पुट करोगे तो ये बन के आएगा 1 प्लस A प्लस 1, सो 2 प्लस A आ जाएगा, सो ये बन के आ जाएगा 2 प्लस ए, एंड ये बन के आ जाएगा 2 यहां पे पुट करोगे तो 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 ए, ये बेसिकली लेस देन 0 होना चाहिए। अब इस इनइक्वालिटीज को सोल्व करते हैं, तो फर्स्ट थिंग इसके रूट्स जो है वो निकाल लो। सो एक तो आएगा माइनस 2 और दूसरा आएगा माइनस 5 बाई 2, सो माइनस 2 यहां पे कहीं पे आएगा और माइनस 5 बाई 2 जो है वो यहां पे कहीं पे आएगा। ठीक है, अब 2 से सॉरी माइनस 2 से कोई भी एक बड़ा नंबर उठा लो और इसमें पुट कर लो और साइन देखो इसका कैसा बन रहा है। सो माइनस 2 से बड़ा नंबर 0, 0 को यहां पे पुट किया एक ही जगह, तो ये 5 और ये 2, सो 5 इंटू 2 10, 10 कैसा है पॉजिटिव, सो यहां जाओगे इस साइड जाओगे तो पॉजिटिव मिलेगा। अब दोनों के बीच में माइनस 5 बाई 2 और माइनस 2 के बीच में कोई एक नंबर उठा लो, जैसे माइनस 2.3, सो माइनस का 2.3 करोगे तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव, मतलब इन दोनों के बीच में जो इसका साइन है इस एक्सप्रेशन का, या फिर बोले तो इस इनइक्वालिटीज का, वो नेगेटिव मिल रहा है। अब माइनस 5 बाई 2 से कोई भी एक छोटा नंबर उठा लो, माइनस 10 उठा लो, माइनस 10 को यहाँ पे पुट करो तो ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, सो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। अब ये बोल रहा है, ये वाली इनइक्वालिटी बोल रही है आप लोग जो है वो नेगेटिव वाला साइन लो, लेस देन जीरो लो, तो लेस देन जीरो कहाँ पे मिलेगा, लेस देन जीरो बेसिकली इन दोनों के बीच में मिलेगा, इन दोनों के बीच में मिल जाएगा। तो जब आपका ए जो है वो माइनस 5 बाई 2 से लेके माइनस 2 के बीच में होएगा, तब जो इसके दोनों रूट्स हैं वो बेसिकली लाइज करेंगे 1 और 2 के बीच में, है ना। इसके लिए अपना a बिलोंग्स टू माइनस 5 बाई 2 से माइनस 2, है ना। तो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बोलता है कि अभी हमने दो नंबर उठाए थे ना, उन्हीं दो नंबर को ले लेते हैं और जो दो नंबर है वो बेसिकली दोनों रूट्स के बीच में लाई करवा देते हैं, है ना। अभी क्या कर रहा था, एक नंबर को बीच में और एक नंबर को साइड में लाई करवाया था, है ना। अभी कर रहे हैं कि दोनों नंबर्स को बीच में लाई करवा दो, है ना। सो बोथ नंबर लाइज बिटवीन टू रूट्स, ये वाली कंडीशन लेते हैं। मतलब यहाँ पे अगर अल्फा है और यहाँ पे बीटा है तो एल एंड के ये जो है ये बेसिकली दोनों इसके बीच में लाई करने चाहिए, अल्फा और बीटा के जो है बीच में लाई करने चाहिए,
देखते हैं क्या इस बात का सेंस बनता है, क्या इससे आंसर आते हैं, वो भी देखते हैं। तो हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, यूनिवर्सल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये उठा ली हमने। इसका हमने एफ एक्स क्रिएट किया, वो आया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे इफ ए जो है पॉजिटिव होगा तो ये कुछ ऐसा ऊपर की ओर खुल जाएगा, और इफ ए जो है वो नेगेटिव होगा तो ये ऐसा नीचे की ओर खुल जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा अल्फा, और यहाँ पे आ जाएगा बीटा, और यहाँ पे आ जाएगा एल, और यहाँ पे आ जाएगा के। अब देखो जरा इसके लिए, सॉरी इसके लिए एल और के, मतलब एफ एल जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, और एफ के जो है वो भी नेगेटिव होना चाहिए, और ए जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, डी जो है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, और इसमें कुछ नहीं ऐड कर सकते, और इसमें कुछ नहीं ऐड कर सकते। आप लोग यही कंडीशन ऐड करके जाओगे इसके लिए, और इसके लिए देखो जरा, इसके लिए सेकंड वाले के लिए एफ एल जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, एफ एल जो है वो बेसिकली पॉजिटिव होना चाहिए इस वाले के लिए, और एफ के जो है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, एंड ए जो है वो बेसिकली नेगेटिव होना चाहिए, एंड डी जो है वो बेसिकली पॉजिटिव होना चाहिए। सो एफ एल नेगेटिव, एफ के नेगेटिव, मतलब दोनों जो नंबर है वो बेसिकली बीच में लाई करने चाहिए। तो इन दोनों को क्लब करोगे उससे हमारे पास में निकल के आएगा कि एफ एल इंटू एफ के ये बेसिकली पॉजिटिव होना चाहिए। दोनों का मल्टीप्लीकेशन करवाओगे तो यहाँ से निकल के आएगा पॉजिटिव, और यहाँ से निकल के आएगा पॉजिटिव, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है वो बेसिकली पॉजिटिव होना चाहिए। फर्स्ट थिंग तो ये निकल के आएगी, सेकंड थिंग कॉमन क्या आएगी, सेकंड थिंग ए जो है, अच्छा ए को अगर इसके साथ में मैं मल्टीप्लाई करवा दूँ तो ये कैसा बन जाएगा, अभी तो ये पॉजिटिव है ना, और इस वाली कंडीशन के लिए ए जो है वो पॉजिटिव है, और इस वाली कंडीशन के लिए ए जो है वो नेगेटिव है। यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, यहाँ पे गड़बड़ी हो गई, तो यहाँ पे आपको अलग अलग एज्यूम करके चलना पड़ेगा। तो ए जो है वो बेसिकली या तो पॉजिटिव हो सकता है, और ए जो है वो नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे ए जो है वो नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है, इसको मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये पॉजिटिव रहेगा, इसको करवाओगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही कुछ सेंस बनेगा। और थर्ड थिंग डी जो है वो बेसिकली ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। सो ये आप लोग इस पर क्वेश्चन भी कर सकते हैं, है ना। और नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं हम लोग कि नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटीज और हो सकती है, और पॉसिबिलिटी को देखते हैं। और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि दोनों नंबर्स जो है वो रूट्स के साइड में लाई करें, मतलब कि ये एल जो है और ये एम जो है ये दोनों रूट्स के साइड में लाई करने चाहिए, या फिर बोले तो दोनों रूट्स जो है वो लाइज बिटवीन टू नंबर्स। सो बोथ रूट्स लाइज बिटवीन टू नंबर्स, लाइज बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है। तो यूनिवर्सल क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठा लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और इसका आप लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या फिर क्वाड्रेटिक फंक्शन बना लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू एफ एक्स, है ना। तो अगर ए पॉजिटिव हुआ तो ये ऊपर की ओर खुलेगा, अगर ए नेगेटिव हुआ तो ये नीचे की ओर, यहाँ पे अल्फा आना चाहिए और यहाँ पे बीटा आना चाहिए, यहाँ पे एल आना चाहिए और यहाँ पे के आना चाहिए, है ना। अब फर्स्ट वाली जो ग्राफ है या फिर फर्स्ट वाली जो कंडीशन है उसको उठा के देखते हैं। सो फर्स्ट वाली के लिए पहली चीज कि ये
यहाँ पे वर्टाइसिस का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो माइनस बी अपॉन टू ए होता है, वो बेसिकली इन दोनों नंबर्स के एल और एम के बीच में लाई करना चाहिए. सो माइनस बी अपॉन टू ए इज ग्रेटर देन एल और लेस देन एम. ठीक है, अब ऐसा करोगे तो ये ग्राफ ऐसा भी बन सकता है ना, एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा बट एल और के यहाँ पे आ जाएंगे और वर्टाइसिस जो है वो बीच में आ जाएगा. इसका आप लोग डी जीरो करवा दो, सॉरी डी जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो करवा दो, ताकि ये ग्राफ नीचे खिसके आ जाए, खिसक के आ जाए और ये कंडीशन ऐसी बन जाए एल और के वाली. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जो सेकेंड थिंग है इसका डी जो है वो बेसिकली ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो करवा दिया. अब यहाँ पे जैसे ही मैंने डी जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो करवा दिया, तो एक नंबर तो यहाँ पे आ सकता है ना इस कंडीशन के लिए, मतलब एल जो है वो बेसिकली यहाँ पे आ जाए और माइनस बी अपॉन टू से, तभी भी ये छोटा है ना. तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि एफ एल और एफ के दोनों पॉजिटिव होने चाहिए. और सेकेंड थिंग सॉरी थर्ड थिंग एफ एल एंड एफ के ग्रेटर देन जीरो, एंड फोर्थ थिंग ए जो है वो बेसिकली पॉजिटिव होना चाहिए. ठीक है, एंड ये जो सेकेंड वाला ग्राफ है अभी इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं. इसके लिए फर्स्ट थिंग ए जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, एंड सेकेंड थिंग एफ एल नेगेटिव एंड एफ के, देखो जरा कैसा आएगा, नेगेटिव. ठीक है, अब ये दोनों कंडीशंस इस ग्राफ के लिए सफिशियंट नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है. तो थर्ड थिंग इसका जो डी जो है वो भी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए, है ना. एंड फोर्थ थिंग कि ये जो नंबर्स है दोनों वर्टाइसिस के एक्स कोऑर्डिनेट के बीच में लाई करने चाहिए. सो माइनस बी अपॉन टू ए एंड के, ठीक है, ऐसा हो जाएगा. अब अगर आप लोग इन दोनों कंडीशंस को क्लब करोगे, क्लब करने के बाद में आप लोग इसका आंसर्स निकालोगे, तो पहली तो चीज कि अगर यहाँ पे एफ एल जो है ये थर्ड वाली कंडीशन, फर्स्ट ग्राफ की थर्ड वाली कंडीशन पे मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर एफ एल इंटू एफ के करवा दिया जाए, मीन्स पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पे एफ एल इंटू सॉरी सेकेंड वाले ग्राफ के लिए एफ एल इंटू एफ के करवा दिया जाए, मतलब नेगेटिव इंटू नेगेटिव दोनों पॉजिटिव आएंगे. सो दोनों की एक तो कॉमन कंडीशन ये आ गई, एफ एल इंटू एफ के कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो. ठीक है, और सेकेंड थिंग इसका डी जो है वो बेसिकली पॉजिटिव होना चाहिए. सो डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो. एंड थर्ड थिंग एल जो है वो बेसिकली माइनस बी अपॉन टू ए से बड़ा और के से छोटा, ये चीज होनी चाहिए. और फोर्थ थिंग ए या तो पॉजिटिव होगा और ए या तो नेगेटिव होगा. अब जरा यहाँ पे कुछ हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, मतलब किसी एक कंडीशन को एलिमिनेट कर सकते हैं क्या. सो एफ एल इंटू एफ के किया तो एफ एल इंटू एफ के वाली कंडीशन से हमें देखो जरा क्या देखने को मिलेगा. सो इससे हम लोगों को सिर्फ, यार ये पेन पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है. सो एफ एल इंटू एफ के किया तो इससे ये पॉजिटिव आना चाहिए, तो ये बेसिकली एल और के जो है वो यहाँ पे भी लाई कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे एल लाई कर जाए और यहाँ पे के लाई कर जाए बीच में, और वर्ड ये जो है यहाँ पे लाई कर सकता है ना. तो आई होप कि ये जो कंडीशंस है वो सफिशियंट होगी, है ना. तो इसके लिए ये कंडीशन सफिशियंट होगी ना. तो इसके लिए आप लोग ये वाली जो लास्ट वाली दो कंडीशन है उसमें आप लोगों को एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है वो ऑलवेज ए सॉरी ग्रेटर देन जीरो बना के आगे प्रोसीड करना है. सो लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में ऑलमोस्ट इतना ही था. थैंक यू.